संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, 6% से ज्यादा विकास दर की उम्मीद, मंदी घटी, महंगाई कम होने की उम्मीद। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, आरा में मुखिया हत्या की आरजेडी ने की सीबीआई जांच की मांग। भोजपुर में मुखिया की हत्या के विरोध में आज अखिल भारतीय किसान संघ का आरा बंद, मंगलवार को इतरी पंचायत की मुखिया की अपराधियों ने गोली मारकर की थी हत्या। नई पुलिसिंग पर पटना में मंथन शुरू, आज से 1 मार्च तक चलने वाले पुलिस साइंस कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं शिरकत। रेल बजट में बिहार की अनदेखी से खफा पक्ष विपक्ष ने की आलोचना, कहा बिहार की परियोजनाओं पर नहीं दिया गया ध्यान। और पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स की दुकानें आज रहेंगी बंद, कुव्यवस्था से नाराज दुकानदारों ने पकड़ी आंदोलन की राह। नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम आदमी की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? जवाब बहुत ही सीधा है, अरबपतियों करोड़पतियों की एक बड़ी जमात, व्यावसायिक औद्योगिक घरानों की एक बड़ी जमात। एक गरीब मुल्क की पंचायत पूंजीपतियों का बैठक खाना बन गया तो मजदूर हितों के सवाल कहीं गुम हो गए। सत्ता और सियासत ने ट्रेड यूनियनों की राजनीति को मुख्य धारा से दरकिनार कर दिया और देश की एक बड़ी तस्वीर पर बड़ा पर्दा डाल दिया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों को ही अगर सच माने तो देश में तकरीबन 3 करोड़ बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही के आंकड़े देखें तो 3 सालों में कुल जमा 3 बार भी सदन इनके लिए चिंतित नहीं हुआ। मिशन 2012 और मिशन 2014 के लिए बेचैन कांग्रेस भी इनकी चिंता से दूर रही और शिंदे के एक बयान के आश्रय देश में गुस्सा भड़काने की कोशिश करने वाली बीजेपी ने भी इनसे कोई मतलब नहीं रखा। वाम दलों ने थोड़ी चिंता जरूर की लेकिन मुद्दे को कभी गर्मजोशी के साथ उठाया नहीं। आजादी के 65 साल बाद भी गुलामी सीने पर सवार है तो इनके लिए इस आजादी के मतलब क्या है? बड़ी खबर में आज गुलामी के गुनहगार। बंधुआ की बेड़िया से आप भी जुड़ सकते हैं। आज का हमारा सवाल है, गरीबी दूर किए बगैर क्या कानून बना देने भर से बंधुआ मजदूरी खत्म हो जाएगी? आप भी जुड़िए मौर्य की इस मुहिम से और अपने विचार अपनी राय हमें SMS कीजिए। इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट दिखाने के पहले हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ धीरेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिन्हा जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। दोनों मेहमानों का स्वागत है। बंधुआ मजदूर एक ऐसा शब्द जो समाज के दामन पर कलंक है, लेकिन हैरानी की बात यह कि बिहार की राजधानी में प्रशासन की नाक के नीचे और सरकार की नजरों के बीच ये कलंक गाथा लिखी गई। ₹12,000 का कर्ज, 12 सालों तक बंधुआ मजदूरी की जलालत, ये कहानी है कपिल दास, दूधनाथ दास, रंजीत दास की। तीनों पटना के रहने वाले हैं। वास्ता राजधानी पटना से सटे एक गांव अलावलपुर से। तीनों की जिंदगी एक दूसरे से जुदा लेकिन दर्द एक। तीनों की लाचारी अलग अलग लेकिन बेबसी एक। तीनों ने अपनी जिंदगी के 12 साल बंधुआ मजदूरी करते करते गुजार दिए। तीनों की ही जिंदगी के कीमती और कभी वापस लौट कर न आने वाले 12 साल छीन लिए गए। छीनने वाले 3 अलग अलग शख्स लेकिन वजह एक।
चरवाही, किसानी, चाकरी, घर का सारा काम, और ये सब बिना एक कौड़ी के। दिन रात कोल्हू के बैल की तरह इन्हें खटाया गया, इनका शोषण किया गया। थोड़ी सी चूक और गालियों की बौछार, घर लौटने में देर हुई तो लाठियों की बरसात। परिवार का पेट भरने के लिए दूसरा काम पकड़ा तो उस पर भी आफत। लेकिन इतना जुल्म और अत्याचार ये चुपचाप सहते रहे, खून के आंसू पीते रहे और अपनी किस्मत को कोसते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक छोटा सा कर्ज चुका नहीं पाए और बंधुआ मजदूरी मजबूरी बनी रही। हाँ, बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं, किसी के यहाँ कहीं काम हम करने के लिए नहीं जाने देते हैं, कहीं चल गए तो लेट हो गया, घड़ी घंटा से गाली गलौज करते हैं, आके घर पर डांट दबार करते हैं, यही बात है उनका। इनकी जिंदगी की गाड़ी यूं ही थक्के खाती रहती, इनका शोषण बदस्तूर जारी रहता अगर स्वयं सेवी संस्था ने पहल नहीं की होती। एनजीओ जीवीआई ने बिहार सरकार से संपर्क किया, फिर सरकार की पहल पर गौरीचक पुलिस और अपराध अनुसंधान मानव इकाई के साथ एनजीओ की तालमेल और कार्रवाई ने तीनों की जिंदगी से बंधुआ शब्द धो दिया। हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, उसके बेस पर हम लोगों ने सरकार से सहयोग लिया और डीएम साहब से मिले, एडीएम साहब से मिले, उन्होंने टीम कंस्टिट्यूट की और लेबर डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग रहा। सबसे ज्यादा हम तारीफ करना चाहेंगे गवर्नमेंट का, हमें बहुत सपोर्ट मिला है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। बीते 12 सालों में इन तीनों ने बंधुआ मजदूरी के नाम पर जितना काम किया उसके बाद तो इनके मालिकों पर ही इनका कर्ज चढ़ गया है। लेकिन दुखद बात ये कि बीते 65 सालों में आजादी के चोले पर लगे बंधुआ मजदूरी जैसे सामंती बदनुमा दाग को समाज धो नहीं पाया। बिट्टू कुमार, पटना सिटी, मुआशरा। मेरा रंग दे वसंती चोला, वीर सपूतों ने इस तराने के साथ देश को आजादी दिलाई, लेकिन आजादी के 65 सालों बाद भी इस चोला पर लगा बंधुआ का दाग नहीं धुला है। तो क्यों नहीं धुला? एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियदर्शी जी, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका मौर्य स्टूडियो में। सबसे पहले हम धीरेंद्र सिंह जी के पास आएंगे, बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, इनकी सरकार है बिहार में और राजधानी में बंधुआ मजदूर पकड़े जा रहे हैं। सर, 65 साल बाद भी इस दाग को अगर नहीं धो पाए तो मेरा रंग दे वसंती चोला गाने वाले अगर आज जिंदा होते तो आपको किस नज़र से देखते? देखिए, बंधुआ मजदूरी की जो बात है, सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था है पहले था, हम गांव से आते हैं और गांव में कृषि पर आधारित, वो भी बंधुआ मजदूरी नहीं होता था। होता क्या था कि उन लोगों को लैंड दिया जाता था और पहले अनाज दिया जाता था। आज जो सरकार परिवर्तन लाए उसमें बंधुआ मजदूर शब्द खत्म हो गया, न्यूनतम मजदूरी आ गई। पहले शेर चलता था, बटखरा चलता था। 1975 में एक अध्यादेश आया, 1975 के बाद, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने बंधुआ मजदूर मुक्त कराया। हाँ, बंधुआ मजदूर झूठ बोल रहा है कौन सा? नहीं, नहीं, बंधुआ मजदूर, आप जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी समाप्त तो हुए दशकों, मतलब बहुत दिन से, आज यहाँ भी बंधुआ मजदूरी तो है नहीं, अब तो सरकारी मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है। और न्यूनतम मजदूरी से अधिकारियों ने, श्रम विभाग के अधिकारियों ने जिन्हें छुड़ाया वो कौन है? आपके मंत्री भी कह रहे हैं बंधुआ मजदूर है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अधिकारी कह रहे हैं ना, मंत्री कह रहे हैं। अब वैसा 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी बिहार की है और 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और कोई व्यक्ति किसी तरह से एक्सप्लॉइट करके उसको रख करके और उसको कर्ज दे करके और कहे कि इस कर्ज को अब तुम सूद में लौटाओ, बट्टा में लौटाओ, तो ये जो स्थिति है उसको रोका नहीं जा सकता है। उस पर अगर जहां कहीं भी पता चलता नहीं जा सकता, नहीं, इसको अब कैसे रोका जाए? 10 करोड़ आबादी है, कोई आप शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ में अगर पुख्ता सबूत आता है और सरकारी स्तर पर इसको जागरूक किया जा सकता है, सरकार उसके लिए बहुत सारे गरीब के लिए लाभकारी, एकदम हाथ खड़े कर देने वाली स्थिति है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, प्रियदर्शी जी, रोका नहीं जा सकता है। इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं कि 15,000 बंधुआ मजदूर हैं बिहार में तकरीबन, ये सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी कुछ और हो सकता है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, रोका नहीं जा सकता। देखिए, आपने तो ये दृष्टिकोण रखा है
कि ये जो समाज की समस्याओं का पीस मील सोशल इंजीनियरिंग होता है कि बंधुआ मजदूर के मुक्ति के लिए अभियान, चाइल्ड लेबर के लिए अभियान, तो उसके जो आयोग हैं, उसके जो विभाग हैं, वो मतलब केवल सिंबॉलिक कुछ काम किया करते हैं। असल समस्या है गरीबी, गरीबी के बगैर, गरीबी मिटाए बगैर, मिटाए कोई अध्यादेश ला दीजिए, ला दीजिए, नहीं किया सकता है। और उसमें एक बात है कि बिहार में अभी भी सरकार ये दावा करती है कि 50% से ज्यादा लोग गरीब हैं, बिहार का आंकड़ा ऐसा है, भारत का आंकड़ा एकदम आधा है, 24-25% है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बंधुआ प्रथा, हम इनसे इस मामले में सहमत हैं कि बंधुआ प्रथा समाप्त हुआ है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि गांव में जितने बड़े पैमाने पर लोग अर्ध बंधुआ, उसको कहा जाता था, अर्ध बंधुआ रहते थे, सेमी बॉन्डेड, वो टर्म चलता था, सब जगह चलता है, तो वो जो जमीन दे करके और उनका जीवन जो है कुछ हद तक या बहुत हद तक गिरवी रहता था, कुछ हद तक और बहुत हद तक वो फ्री भी होते थे। तो वो प्रथा बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर खत्म हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ। और ये इसलिए खत्म हुआ है कि गरीब लोग जागे हैं, गरीब लोगों ने अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए बाहर माइग्रेट करके पैसा कमाया है, पूंजी लाया है और टेक्नोलॉजी लाया है, तकनीक, छोटी छोटी तकनीक, और अपने परिस्थिति और अपने भाग्य को बदल रहे हैं। इस बीच में ये जो बंधुआ टापू के रूप में इंडस्ट्रीज में नए तरीके से आधुनिक विकास के संसाधनों में सेमी फ्यूडल तरीके से या फ्यूडल तरीके से जो बंधुआ प्रथा के अधीन लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, ईंट भट्ठा में बड़े पैमाने पर लोग बंधुआ है, बड़े पैमाने पर बंधुआ है, छापा मारने की जगह भी बहुत स्पष्ट है, उनकी मिलीभगत भी होती है, तो इस अर्थ में सरकार जिम्मेवार है। एक अर्थ में सरकार दावा करे तो वो समाज का पोटेंशियल भी है, सरकार की भूमिका रही है, कानूनों की भूमिका रही है कि बंधुआ प्रथा जो व्यापक पैमाने पर प्रिवेल करती थी, समाज में लागू थी, वो खत्म हुई है। लेकिन दूसरे पैमाने पर बंधुआ के नए नए टापू पैदा हुए हैं और इसमें इनके थानों, इनके अधिकारियों की भागीदारी होती है, ऐसा मेरा मानना है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 92.3% मजदूर दो वक्त का भोजन न जुटा पाने की वजह से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं और बाद में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं और हालात इतने खराब होते हैं कि बाप का लिया कर्ज बेटा चुकाता है, बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 48% बंधुआ मजदूरों की पत्नियों को, करीब 14% के पतियों को, करीब 4% के पुत्रों को, 10% की पुत्रियों को और 35% बंधुआ मजदूरों के अन्य संबंधियों को भी उसी कर्ज के एवज में बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, हालात बेकाबू नहीं है तो क्या है? हालात जो वक्त की रोटी भी अगर सवाल है तो कौन सा विकास हुआ है? विकास की बात तो दूर रखिए, धीरेन्द्र जी का हाथ उठाना ये भी एक मायने रख रहा है। दूसरी बात, प्रियदर्शी जी ने कहा कि विकास हुए, कुछ कुछ टापू बच गए। मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत बड़े पैमाने पे आजादी के बाद बहुत बड़े पैमाने पे हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, मगर उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, प्रथम में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, दूसरे में फिर कृषि। लेकिन 75 जब पहली बार कानून आया इमरजेंसी के वक्त में, उसके पहले बहुत बड़े स्केल पे बंधुआ मजदूर थे। आज अभी आपने कहा कि इस सरकार में ये नाक के नीचे भी ये चल रहा है, तो ये आज जो समस्या है बंधुआ मजदूर की, ये मानसिकता की है। देखिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष का ना ही आरोप ना ही जवाब है। नहीं, योजना आयोग से संबद्ध है सोशियो इकोनॉमी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीट्स, ये योजना आयोग से संबद्ध है और इसकी रिपोर्ट के अनुसार करीब 47% बंधुआ मजदूर कृषि कार्य में है, 17% पत्थर तोड़ने में और 10% बंधुआ मजदूर ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। वो तो जो एब्सोल्यूट टर्म में जिसको आप कह रहे हैं बंधुआ मजदूर, जिसको डिफाइन करते हैं, मगर मैं एक इंगित कर रहा था ये इस मानसिकता की कि बंधुआ मजदूर को तोड़वाने की मानसिकता की, तो वो मानसिकता आज इस गवर्नमेंट में इस मायने में नहीं है कि देखिए वो जो इवन वो तो अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, अस्किल्ड लेबर में भी जहां पे वो सैंक्शनड जो वर्कफोर्स थे उसको सरेंडर करके अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं तो क्या वो अस्किल्ड लेवल पे वो बंधुआ मजदूर का एक उदाहरण नहीं है क्या?
क्या प्रियदर्श जी? देखिए, सीट्स के आंकड़ा को तो मैं नकारूंगा नहीं, और सीट्स जितने बंधुआ हैं उनमें से प्रतिशत खेती में बहुत ज्यादा है ये बता रहा है, और ये मैं अभी जो बात कह रहा था उसके विपरीत है, और विपरीत अगर आंकड़े जाते हैं तो उसको स्वीकार करना है। हम अशोक सिन्हा के शासनकाल और नीतीश के शासनकाल की बात नहीं कर रहे हैं। बंधुआ बंधुआ प्रथा खत्म हुई है लोगों के अपने जिजीविषा से, अपने परिवार को तरक्की करने की आकांक्षा से। स्टेट उसके सपोर्ट में जिस तरह से आना चाहिए, तो स्टेट के जितने भी प्रोग्रेसिव लॉ हैं उसको जिस तरह से बिहार में जनता ने अख्तियार किया है, उसके पीछे प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रही है। और इस अर्थ में मैंने केवल ईंट भट्टों का उदाहरण दिया था कि वो उसके एकदम चलते फिरते मिसाल है कि प्रत्येक ईंट भट्टा में लोग बंधुआ या अर्ध बंधुआ है। ये तो आज भी है। हाँ, आज भी है, आज भी है। मगर मैं प्रियदर्शी जी, मैं वही कह रहा था कि जो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप बात कर रहे हैं, तो वो मैं ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि नक्सलाइट मूवमेंट जो काउंटर मूवमेंट था सोसाइटी में, वो बंधुआ मजदूर के उत्पत्ति के, बंधुआ मजदूर जो विराजमान थे वो नक्सलाइट मूवमेंट जो था उसकी उत्पत्ति में वो बहुत सहायता किया, बंधुआ मजदूर का रहना, और फिर बाद में तो उसी को एक बेस मानकर सामाजिक न्याय और वगैरह वगैरह की जो हम लोग बात करने लगे, वो भी एक काम किया है सामाजिक न्याय। धीरेंद्र सिंह जी, बिहार की एक बड़ी आबादी, झारखंड की एक बड़ी आबादी, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, मुंबई, जहां तहां देश के कई हिस्सों में बिहार की जिंदगी जीती है, गालियां खाती है, गम खाती है, एक बड़ी आबादी, वहां से वो पैसे, वो आबादी भेजती है बिहार को। ये एक बड़ी वजह रही बंधुआ मजदूरी के कम होने की, माफ कीजिएगा, कम से कम उस मजदूर की पत्नी किसी की बंधुआ नहीं रही, बेटा किसी का बंधुआ नहीं रहा, वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजता रहा पंजाब लुधियाना से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से, दिल्ली से, मुंबई से, और यहां हालत सुधरी। सरकार ने क्या किया? सबसे पहला बात तो है कि सरकार ने जो किया, अभी आप देख रहे हैं पूरे जो अदर स्टेट में, आज पंजाब में जो यहाँ के मजदूर जाकर के खेती करते थे, पंजाब में बिहारी मजदूर मिल नहीं रहे हैं। पूरा अदर स्टेट में जितने भी हमारे बिहारी मजदूर थे, अपने यहाँ जो हमने एक वातावरण दिया, जो विकास का एक मॉडल दिया, और मॉडल के बाद जो काम यहाँ पर मिलना शुरू हो गया, उसके बाद पलायन रुक ही नहीं गया। बाहर जो लोग थे उसको जो शोषण का सामना करना पड़ता था, अपनों के बीच में नहीं काम करते थे, किसी के मर्जी पर काम करना पड़ता था, अगर उसकी मजदूरी होती थी 2000 रुपया तो 1000 रुपया पर भी सहन करके और वापस लौट। धीरेन्द्र जी, आप सच बोल रहे हैं या आपकी सरकार झूठ बोल रही है? क्योंकि आप ही की सरकार ने दावा किया था कि बिहार पुलिस ने पिछले दिनों दिल्ली में जाकर नबी करीम इलाके में बैग बनाने वाले एक कारखाने में काम करने वाले 22 बच्चों को छुड़ाया, इनकी उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच की है। आप कह रहे हैं पलायन रुक गया है, सरकार कह रही है हमने छुड़ाया ये बच्चे, छुड़ाया रुक गए, तो दोनों चीज को देखिए। पहला बात है कि बाल मजदूरी कानून बना है, बाल मजदूरी हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आज इतने होटल पर देख रहे हैं, आज सख्ती के कारण एक भी बाल, आप दोनों बात एक साथ कैसे कर सकते हैं? आपकी सरकार दावा करती है कि हमने इन बच्चों को छुड़ाया, पलायन हो नहीं रहा है, पलायन अब पहले जो वहां पर रह गया है और यहाँ चला गया है, जो लौट रहा है, फिर बिहार में गाली खाते और गम सुनते, माफ कीजिएगा, मुंबई में गाली खाते और गम सुनते बिहारी कौन से हैं? लेकिन ऐसा स्थिति है, बिना पलायन के गए, एक बात पहला समझ लीजिए, पूरा देश जो है ये कहीं भी आप जाने के लिए अपने, तो ये दावा मत कीजिए कि पलायन, ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूं, पलायन बंद है, यहां से मजदूरों का पलायन बंद हो गया है, मजदूर पुनः वापस कर रहे हैं। आज की जो स्थिति है, जो विकास का दौर चल रहा है, हम पूरे देश में अव्वल हैं विकास में, आज जीडीपी देखिएगा बिहार सबसे ज्यादा विकास की मैंने एक मिसाल कायम करने का काम किया है, हम 11% जीडीपी से भी ऊपर बिहार का विकास किए हैं, उसका प्रमाण है आपके पास, चाहे सड़क के मामला में हो, शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में, चहुमुखी विकास जिसको कहिए। एक ब्रेक का वक्त है, आर्थिक उदारीकरण के जो मतवाले हैं ये पूंजीवाद का पोषण तो खूब कर रहे हैं, इनका दावा है कि अब मजदूरों का पलायन नहीं हो रहा है और बिहार के बाहर तमाम शहरों में बिहार के मजदूर ही उन शहरों का विकास करते दिख जाएंगे। कभी शीला दीक्षित जी को गुस्सा आता है तो बिहारी मजदूरों पर ही, कभी राज ठाकरे साहब को गुस्सा आता है तो बिहारी मजदूरों पर ही, पलायन नहीं तो क्या है, परिभाषा चाहे जो कर लें। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं।
अलग कमाएंगे तब खाएंगे, उसी में को तो कमाते हैं तो मिलता नहीं। सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट खाने के टाइम तो कम से